नमस्कार दोस्तों, इंडिया प्रेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। होमगार्ड जवानों को राज्य कर्मचारी बनाने की तैयारी, गृह मंत्रालय का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, होमगार्ड जवानों को राज्य कर्मचारी बनाने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की थी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार होमगार्ड जवानों को राज्य कर्मचारी बनाने के लिए पिछले एक साल से प्रयास कर रही है। जी हां दोस्तों, मंत्रालय की ओर से बयान दिया जारी किया गया है कि होमगार्ड जवानों की ड्यूटी ऑनलाइन सिस्टम के ये पिछले दिनों ही कर दी गई थी। इसके अलावा होमगार्ड जवानों के भत्ते को भी बढ़ाया गया था। होमगार्ड जवानों को इसके अलावा राजीव अरोड़ा ने बताया कि पहली बार सर्दी व गर्मी की वर्दी भी दी गई थी, यानी होमगार्ड जवानों को पुलिस की तर्ज पर धीरे धीरे तमाम सुविधाएं हरियाणा सरकार दे रही थी। अब आगामी चुनाव को देखते हुए हरियाणा सरकार होमगार्ड जवानों को राज्य कर्मचारी बनाने की बड़ी पहल कर सकती है। जी हां दोस्तों, गृह मंत्रालय की ओर से पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर संकेत मिलते हैं कि होमगार्ड जवानों को जल्द ही हरियाणा सरकार राज्य कर्मचारी घोषित कर कोई बड़ी सौगात दे सकती है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने कहा है कि होमगार्ड जवानों के दैनिक भत्ते पे डीए आदि को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है, इनको बढ़ाया जाएगा। इनके अलावा होमगार्ड जवानों को राज्य कर्मचारियों के समान तमाम सुविधाएं देने पर राज्य सरकार बड़ा विचार कर रही है। इसकी तैयारी काफ़ी समय से चल रही है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने कहा कि होमगार्ड जवानों को वर्दी, जूते आदि भी राज्य सरकार दे रही है, और भी अनेक सुविधाएँ होमगार्ड जवानों को राज्य सरकार देगी। यानी गृह मंत्रालय के द्वारा पेश किए गए बयान के मुताबिक हरियाणा सरकार जल्द ही होमगार्ड जवानों को राज्य कर्मचारी घोषित कर सकती है। आप किस प्रकार है कमेंट करके जरूर